Hello guys, welcome back to my channel Random Videos with Nishi. और मैं हूँ निशी. दोस्तों आप जानते हैं कि नाइक का हॉट पिंक सेल स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 22nd of July टू 26th of July. तो मैंने सोचा कि आपकी मदद करने मैं ना आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे काफी डीएम आ रहे थे कि हमें कौन सा मॉइस्चराइजर खरीदना चाहिए, कौन सी लिपस्टिक खरीदनी चाहिए एंड मेनी मोर क्वेश्चन. तो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए आपकी हेल्प के लिए कि जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वही प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी, आपको रिकमेंड करूँगी कि आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट्स और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं मेरे लिए. तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस प्रोडक्ट्स. वीडियो इज अनस्पॉन्सर्ड. ओके, अभी मैं आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स बताऊँगी. स्किन केयर की बात आए और शीट मास्क ना हो ऐसा हो नहीं सकता. तो शीट मास्क आप यूज़ करें गाइस. मैं शीट मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा पसंद है. हर एक शीट मास्क 100 रुपीज़ का मिल जाता है, बहुत कन्वीनियंट रहता है यूज़ करने में. ओके, बहुत तारीफ हो गई. तो फोर शीट मास्क आई विल रिकमेंड. द फर्स्ट वन इज दिस ग्रीन टी. ये सभी शीट मास्क है फ्रॉम द ब्रांड द फेस शॉप. ओके, दिस वन इज द ग्रीन टी. दिस वन इज एवोकाडो. थर्ड है एलो, यानी एलोवेरा वाला. और द लास्ट वन इज दिस ब्लू बेरी. इन्हें मैंने पहले भी यूज़ किया है, एक राइस वाला था वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने ये चार दोबारा से मंगवाए हैं. तो दीज आर द फोर शीट मास्क जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं. ओके, शीट मास्क के बाद अगर आप फेस मास्क की बात करें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं. फेस मास्क जो मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड वाव स्किन साइंस. और ये इनका एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क है. तो अभी मुझे ये फेस मास्क यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये सूट ऑल स्किन टाइप्स इंक्लूडिंग एक्ने प्रोन स्किन. मेरी एक्ने प्रोन स्किन है आप जानते हैं, तो मैं इसे आजकल यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छे से रिजल्ट दे रहा है. काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है. इसका प्राइस बता देती हूँ, MRP 499. और इस वक्त तो सेल होने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा सेल मिल जाएगी. ब्रांड्स पे अप टू 50% सेल चलने वाली है. एंड जब आप इसे यूज़ करेंगे, मैं इसे मतलब अपने कुछ बॉडी पार्ट्स पे भी यूज़ कर देती हूँ, लाइक आर्म्स पे भी इसे कभी ना कभी अप्लाई कर लेती हूँ. नाउ इट्स अप टू यू गाइस. अगेन आगे चलते हैं. फेस टोनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये टोनर. दिस इज द बेसिकली दिस इज अ रोज वाटर. ये है फ्रॉम द ब्रांड रोज वाटर, फ्रॉम द ब्रांड द नेचुरल वॉश. एक कामा का भी मैंने यूज़ किया है, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि मैंने उसकी जब भी बॉटल्स ली हैं, छोटी बॉटल्स ली हैं, वो इस तरह से ख़त्म हो जाती है. तो मैंने सोचा इस बार वाई नॉट टू यूज दिस वन. ये मैंने श्रेया जैन ने रिकमेंड किया था, तो मैंने इसे यूज़ किया. तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, आप देख सकते हैं कि कितना मैंने यूज़ भी कर लिया है. एंड दिस इज स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर फेशियल टोनर मिस्ट मेकअप रिमूवर. ये तीनों की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं. नो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इसकी. जैसे अभी गर्मियाँ होती हैं, कभी आप बड़ा इसे लो फील करते हैं, स्किन आपकी डिहाइड्रेटेड लगती है. तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं थकी हुई आती हूँ, जब मुझे ऐसे लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, इस तरह से ओपन करना है और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. पंप फॉर्म में आता है, तो काफ़ी अच्छा है. इसका प्राइस बता देते हैं आपको फटाफट, 450 रुपीज़ MRP. अगेन इस बार सेल लगेगी तो यू विल गेट द डिस्काउंट. इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाइक प्रॉपर रोज वाली फ्रेगनेंस है इसकी. ओके, अब चलते हैं हम मॉइस्चराइजर की ओर. मॉइस्चराइजर के लिए मैं पसंद करती हूँ ये प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर. इसे मुझे मतलब मैं इसे काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा है. पम्प फॉर्म में आता है, यू कैन सी द कंसिस्टेंसी. काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी एंड आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ये जो ब्रांड है द प्लम, ये भी पैराबेन वगैरह ये जो सब हार्मफुल केमिकल्स हैं इसमें नहीं होते हैं, इससे फ्री है ये. तो आप इसे बहुत अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकते हैं. नो टू पैराबेन्स, थाइलेट्स, प्रोपिलाइन, ग्लाइकोल, सल्फेट्स, PA, BA, तो ये सब नहीं यूज़ होते हैं इसमें. तो प्राइस इज़ 470 MRP है इसका एंड शेल्फ लाइफ इज़ ऑल्सो गुड. आप ये ट्राई आउट कर सकते हैं.
अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, मेरी ड्राई स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन है, मैं इसे यूज करती हूँ. और अगर आपकी ऑयली स्किन है, स्टिल यू कैन गो विद दिस वन. ओके, द सेकेंड वन इज क्लिनिक. ऑब्वियसली क्लिनिक ब्रांड, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ब्रांड. तो ये मॉइस्चर सर्ज है क्लिनिक का 72 आवर ऑटो रिप्लेनिशिंग हाइड्रेटर. बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, लाइक बहुत ज़्यादा. बस एक्सपेंसिव है, इसके ये ही बात है. अगर इस पर सेल लगेगी तो डेफिनेटली मैं तो इसे ज़रूर खरीदने वाली हूँ. तो इसकी कंसिस्टेंसी की बात कर ले तो मतलब लगता ही नहीं है कि आपने कुछ अप्लाई भी किया हुआ है. ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. कुछ भी लाइक अभी समर्स हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करेंगे तो दिस क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है आपको. सो दीज आर द टू रिकमेंडेशन जो अभी मेरे पास हैं. थर्ड वन जो मैं काफ़ी यूज करती रहती हूँ, गार्नियर का रेड कलर का जो मॉइस्चराइजर आता है, एक येलो आता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एक रेड कलर का है, वो अभी ख़त्म हो चुका है और मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है. तो आई कांट शो यू, बट यहाँ पे पिक लगा दूंगी, आप उसे भी खरीद सकते हैं. वेरी नाइस एंड लाइक पॉकेट फ्रेंडली. फेशियल ऑयल की बात कर ले, अगर हम फेशियल ऑयल की भी बहुत ज़्यादा वराइटीज़ हैं. जो मेरा पर्सनल फेशियल ऑयल है, अगर आप एक ही खरीदना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दिस नाइका स्किन पोशन एंटी पिगमेंटेशन फेशियल ऑयल. क्योंकि अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स है, लाइक ब्लैक स्पॉट्स की, अगर आपको हल्की सी मुझे है हल्की सी प्रॉब्लम डार्क स्पॉट्स की, लाइक कोई भी अगर पिंपल आ जाए, लाइक आई हैव टोल्ड यू एक्ने प्रोन स्किन, और कोई ना कोई मार्क छोड़ ही जाता है. फॉर दैट आई यूज दिस फेशियल ऑयल. एंड इस तरह से है, इसका MRP है 699. तो अगेन यू विल गेट द डिस्काउंट. और ये काफ़ी अच्छा है, ड्रॉपर फॉर्म में आता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है. लेट मी शो यू, देखिए इस तरह से है. फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो वेरी नाइस. जब मैं रेजर यूज करती हूँ अपने फेस पे, तो उससे पहले भी मैं इसे यूज करती हूँ. तो बेसिकली फेशियल ऑयल्स आप बहुत डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं. लाइक आप उसे मेकअप से पहले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ड्राई स्किन है, स्पेशली इन विंटर्स. और अगर समर्स में भी फाउंडेशन के साथ अगर आप उसे मिक्स कर ले, तो यू विल गेट दैट लाइक फ्लॉलेस स्किन काइंड ऑफ फाउंडेशन बेस. तो आप वहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं, रात को लगा के इसे सो सकते हैं. और मतलब यू हैव नंबर ऑफ यूजेस फॉर दिस फेशियल ऑयल, तो कोई ना कोई फेशियल ऑयल आपके पास होना चाहिए. तो आई टोटली लव दिस वन. ओके, नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज दिस इज द लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस स्मूदिंग प्लस रेडियंस. काफ़ी अच्छा है. इससे पहले मैंने छोटा खरीदा था, वो फिनिश हो गया था, तो मैंने इसे बड़ा ही खरीद लिया है. तो लाइक मैं इसे मॉर्निंग में यूज़ कर लेती हूँ, रात को नहीं, सिर्फ मॉर्निंग में यूज करती हूँ. यहाँ पे लिखा है दैट यू कैन यूज डे एंड नाइट आफ्टर क्लेंजिंग एंड बिफोर योर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन. यू जस्ट हैव टू पोर 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये देखिए इस तरह से है, बिल्कुल ऐसे लगता है पानी है, लिटरली वाटर की तरह है. इसे आपको लेना है अपने हाथों में, इस तरह से करेंगे और अपने फेस पे डैप कर देना एंड दैट्स ऑल. खरीद सकते हैं आप इसे. कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है मुझे इनसे. इट्स ऑल अप टू यू गाइज, जो भी आपकी मर्जी करेगी, बट जस्ट काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फॉर यू गाइज. ओके, दिस इज द सनब्लॉक. सनब्लॉक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई कांट स्ट्रेस अपॉन दिस थिंग. मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है एक, कि मेरी टॉप 5 फेवरेट सनस्क्रीन्स कौन सी हैं. उसका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. एंड माई फेवरेट जो है सन ब्लॉक, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड न्यूट्रीजेना अल्ट्रा श्योर ड्राई टच सन ब्लॉक SPF 50+ डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड PA++. मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ जो भी सनस्क्रीन में होना चाहिए वो हर एक चीज़ है यहाँ पे. एंड सी इस तरह से आपको ये मिलेगा, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, नो वाइट कास्ट, नथिंग लाइक दैट. बस इस तरह से आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है और आप बहुत आसानी से बाहर जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. घर पर भी है, स्टिल यू शुड यूज सनब्लॉक गाइस. ये सब हो गया स्किन केयर अभी जो मेरे पास था. और मैंने आपको बताया कि जो मतलब मैं ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लाइक मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ इसे, एक्सेप्ट दैट फेस मास्क मैं शीट मास्क बीच में लाइक हफ्ते में कभी 2 बार यूज कर लेती हूँ, कभी 1 बार यूज करती हूँ, नहीं टाइम मिले तो 15 दिन में 1 ही बार यूज करती हूँ.
ऑल डिपेंड ऑन टाइम. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा एक शार जेल और फ्रेगनेंस मिस्ट मैं आपको बता देती हूँ. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बाथ एंड बॉडी वर्क्स. दिस इज शेयर वाइटामिन ई शार जेल, दिस 1000 विशेस. ये इसके फ्रेगनेंस दोनों, और ये इसका मिस्ट है, अगेन 1000 विशेस. दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड बाथ एंड बॉडी वर्क्स. मैं सभी प्रोडक्ट के नाम नीचे मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग, द कलर, ओ गॉड, मैंने जब इसे खरीदा था, ये स्टोर से खरीदा था बेसिकली मैंने, तो मैंने चेकआउट, नायका पे भी है ये, तो आप अगर इसे बाय करना चाहते हैं खरीद सकते हैं. दोनों की फ्रेग्रेंस इज वेरी वेरी नाइस. सो गाइस, दीज वर माई रिकमेंडेशन टू यू ऑल फॉर माई स्किन केयर. तो अगर आप चाहें इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. एंड दैट्स ऑल. और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जहाँ पे मैं कुछ और रिकमेंड करूंगी, लाइक यहाँ पे मैंने स्किन केयर वगैरह कवर करने की कोशिश की, तो मेकअप के लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ. टिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ताकि किसी और को भी मदद हो जाए. तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव.